जाहिद गिलानी ने रोटी की कीमतों के हवाले से आगाह किया। कोयटा का रुख कर लेते हैं, जहां 3 दिनों से पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल के बायस मुर्गी का गोश्त नायाब हो गया। शहर में मुर्गी का गोश्त 900 रुपये में भी दस्तयाब नहीं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा मोहम्मद खालिद, मुर्गी कोयटा शहर में नापैद हो गई है। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन ने गुज़श्ता 2 रोज़ से, आज तीसरा दिन है, हड़ताल कर रखी है। उनका ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो रेट्स लिस्ट जारी की जाती है वो इंतहाई कलील है, जिसमें उन्हें नफ़े की बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसी भी दुकान पे कहीं भी 900 रुपये पर किलो भी इसका गोश्त दस्तियाब नहीं है। यहाँ के जो पोल्ट्री फार्म है उनका ये कहना है कि जो उनके निर्ख है वो पंजाब और कराची से मुकर्र होते हैं, जिसके रास्ते के अखराज और लगा के यहाँ पर पहुँचने पर उन्हें नुकसान का उठाना पड़ता है। इसलिए इन डीलर्स के ख़िलाफ़ जिनका ताल्लुक कराची, लाहौर और दीगर इलाकों से है, वो यहाँ के मुकामी भी नहीं है, उनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करे ताकि डीलर माफिया की जो ब्लैकमेलिंग है उससे लोगों को निजात मिल सके और मुर्गी की कीमत में कमी आए।